नमस्कार दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वाई गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सो स्पेशल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिहार का मैप है एंड ये पटना है, बिहार का कैपिटल। आप देख सकते हैं कि बिहार में टोटल 9 डिवीज़न है। 9 डिवीज़न में से एक डिवीज़न मगध डिवीज़न है। मगध डिवीज़न में आप देख सकते हैं कि टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया एंड इस साइड हमारा झारखंड है। तो आप समझ सकते हैं कि गया जो है बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित है। गया और पटना के बीच में लगभग 110 किलोमीटर की दूरी है। आगे हम देखते हैं कि गया का नाम गया कैसे पड़ा। वायु पुराना के अनुसार से ऐसा माना जाता है कि गया का नाम एक राक्षस गयासुर के नाम पर पड़ा। प्राचीन कथा में ऐसा बोला जाता है कि लॉर्ड विष्णु और गयासुर के बीच में गया में फाइट हुई और फिर गयासुर मारा गया। मरने के बाद गयासुर का बॉडी एक हिल में ट्रांसफॉर्म हो गया जो कि गया को सराउंड की हुई है। आगे देखते हैं हम सब कि जिस तरह से यूपी में बनारस है, उसी तरह से बिहार में गया है। तो आप समझ सकते हैं कि गया का आस्था से बहुत ही गहरी संबंध होगी। भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान गया के फाल्गु रिवर में किया था। इट इज़ बिलीव डैट यहाँ पिंडदान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 15.4 किलोमीटर फ्रॉम गया टाउन देयर इज वन ऑफ द 4 होलीस्ट साइट ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड बोध गया। गया टाउन और बोध गया के बीच में लगभग 15.4 किलोमीटर की दूरी है। द महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स एट बोध गया वॉज लिस्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को ऑन 26 जून 2002। महाबोधि टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 2002 में ही दे दिया गया था यूनेस्को द्वारा। महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स इज द फर्स्ट टेम्पल बिल्ट बाय एम्परर अशोका इन द थर्ड सेंचुरी बीसी। थर्ड सेंचुरी बीसी में महाबोधि टेम्पल पहला टेम्पल था जो कि एम्परर अशोका ने बिल्ट किया था। बात करते हैं फेमस पर्सनैलिटी की, तो आप देख सकते हैं एक न्यूज़ कटिंग है अ मैन हु मूव्ड अ माउंटेन, इन पर एक मूवी बना है मांझी द माउंटेन मैन। ये आदमी फेमस इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअली इनकी स्टोरी ये है कि मांझी एक छोटे से गांव गेलोर में रहते थे जो कि चारों बगल से गेलोर हिल से सराउंडेड था। गेलोर गांव का कनेक्टिविटी बहुत ही ख़राब था। मांझी की वाइफ प्रेग्नेंट थी और मांझी उसे अपने खाट पे उठा करके हॉस्पिटल ले जा रहे थे, पर ऑन टाइम नहीं ले जा पाए जिसके कारण उनकी वाइफ का डेथ हो गया। तो मांझी ने उसी दिन ठान लिया कि वो गेलोर गांव को एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे। तो कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर 22 ईयर्स वो बस एक हथौरा से पहाड़ को तोड़ करके 110 मीटर लंबा, 7.7 मीटर डीप एंड 9.1 मीटर वाइड रोड बना दिया। नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 79.43% रिलीजन हिंदू है, 19.65% मुस्लिम है, 0.026% क्रिश्चियन एंड 0.024% जैन है एंड 1.42% अदर हैं। आगे बात करते हैं इकोनॉमी की। गया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर पटना। इन जनवरी 2015 गया वॉज चोजन एज वन ऑफ द 12 हेरिटेज सिटी टू बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4-year हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना HRIDAY स्कीम फॉर अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। 2015 में भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया था HRIDAY, जिसके तहत गया डिस्ट्रिक्ट को भी चूज किया गया था। इस स्कीम के तहत भारत सरकार का लक्ष्य ये था कि वो अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन में 12 सिटी को मदद करेंगे। बात करें कनेक्टिविटी की, तो गया इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड, रेलवे एंड एयरलाइन। गया हैज़ द सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन बिहार आफ्टर पटना। ओके, तो बात यह है कि गया में तो डोमेस्टिक फ्लाइट चलती है वाराणसी, कोलकाता एंड दिल्ली के लिए, पर कुछ सीजनल फ्लाइट भी चलती है जो कि कोलंबो, श्रीलंका, बैंकॉक, थाईलैंड एंड सिंगापुर से आदमी को ट्रैवल करने में मदद करती है।
बात करते हैं एजुकेशन की, तो गया में गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मगध यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बोध गया है। थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।